हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 27 अप्रैल 2018 को होने वाली ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस इवेंट में 50 मैन बैटल रॉयल रंबल होने वाली है, जिसमें स्मैकडाउन, रॉ और एनएक्सटी के काफी सुपरस्टार दिखाई दे सकते हैं। अब तक हमें WWE में 30 मैन से ज्यादा की बैटल रॉयल रंबल नहीं दिखाई दी है, तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। अब जब बात 50 मैन बैटल रॉयल रंबल की है, तो यहाँ हमें कुछ सुपरस्टार की वापसी या यूं कहूं कि सरप्राइज एंट्री भी दिख सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि WWE वहाँ कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और सऊदी के लोगों की जरूरत से ज्यादा एंटरटेन करना चाहती है, क्योंकि WWE को वहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है रेसलिंग के लिए। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे 5 ऐसे सुपरस्टार की जो हमें 50 मैन बैटल रॉयल रंबल में रिटर्न करते हुए दिख सकते हैं। नंबर 5 पे हैं ड्रू मैकइंटायर। ये सुपरस्टार हाल फिलहाल इंजरी की वजह से बाहर हैं, लेकिन अब वो रेडी हैं वापसी के लिए और हमें दिख सकते हैं वो ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में एंट्री करते हुए। वैसे सुपरस्टार के साथ WWE ने इनकी फर्स्ट रन में इतना ध्यान नहीं दिया था, बट इनके अंदर कुछ बड़ा छुपा था जो इन्होंने WWE को NXT में करके दिखाया और ये बड़े NXT चैंपियन भी रहे हैं। नंबर 4, जेसन जॉर्डन। टैग टीम चैंपियन रहते हुए ये इंजर्ड हुए थे, उनकी गर्दन में चोट थी जिसकी वजह से वो WWE से बाहर हुए थे, जो कि उनके लिए काफी बड़ा लॉस था, जिसके बाद से ही ये WWE से बाहर चल रहे हैं। लेकिन ऐसी अपडेट्स आ रही हैं कि ये भी रेडी हैं वापसी के लिए, तो क्यों ना WWE इनकी वापसी सऊदी में ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में करा। नंबर 3, बिग कैस। इनकी इंजरी मुझे लगता है जो करंट में सुपरस्टार इंजर्ड हैं उनमें से सबसे पहले हुई थी, और इनकी ये इंजरी काफी लंबी भी हो गई है रिकवर करने के हिसाब से। इंजरी से पहले ये काफी अच्छी स्टोरी लाइन में दिख रहे थे एंजो अमोरे के साथ, बट अचानक उनके साथ ये सब हुआ जिसकी वजह से वो बाहर हो गए थे। बिग कैस को क्लियर कर दिया गया है वापसी के लिए। उम्मीद थी कि वो रसलमेनिया में वापसी करेंगे, बट ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। उम्मीद है कि WWE इस 7 फिट के स्टार की वापसी ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में करवा सकती है और दोबारा WWE में अपना दम दिखा सकते हैं। नंबर 2 पे हैं बिग शो। ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ कैच मैच में वो इंजर्ड हुए थे और उसके बाद उनकी हिप की सर्जरी हुई। कहा यह भी गया कि वो साल 2018 में रिटायरमेंट ले लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने WWE के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है और उन्हें WWE के डॉक्टर से क्लियर भी कर दिया गया है वापसी को लेके, और वो फिट हैं। तो हो सकता है जायंट मैन की वापसी ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में करवाई जाए, जो कि काफी नजदीक है। नंबर 1, रे मिस्टीरियो। रॉयल रंबल 2018 में सरप्राइज एंट्री करके फैंस को सबसे ज्यादा चौंकाया और एंटरटेन भी करा। रे मिस्टीरियो रॉयल रंबल पे काफी लंबे टाइम बाद दिखाई दिए थे। जब वो रॉयल रंबल पे दिखे थे तो सबको लगा था कि उन्होंने WWE के साथ डील साइन कर ली है, बट अभी ऐसा शायद नहीं हुआ है। WWE और रे मिस्टीरियो की बात डील को लेके कहीं अटक रही है। अगर ये डील इस इवेंट से पहले फाइनल हो जाती है तो रे मिस्टीरियो यहाँ हमें दिख सकते हैं, और सऊदी और WWE फैंस के लिए छोटा पैकेट बड़ा धमाका होगा ये। तो ये थे कुछ नाम जो हमें वापसी करते दिख सकते हैं ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में। वैसे डीन एम्ब्रोस का नाम भी जेहन में आता है, लेकिन उनकी वापसी पे कोई अपडेट नहीं है। अगर कंपनी यहाँ उनकी भी वापसी करा दे सरप्राइज एंट्री के जरिए, तो वाह मजा ही आ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। रेसलिंग और क्रिकेट की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़िए हमारी वेबसाइट gameofinning.com से। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।